बड़ी खबर आ रही है जो आपको बता दें कि पुलिस की रिमांड में कुख्यात गैंगस्टर अमन ने बड़े खुलासे किए हैं। उसने कहा है कि दो बीजेपी नेता के गैंग से संबंध है और पैसे के निवेश को लेकर भी खुलासे हुए हैं। बता दें कि हवाला कारोबार, रेस्टोरेंट और जमीन में लगाए गए अमन ने पैसे लगाए हैं और भाजपा नेताओं ने गैंगस्टर से संबंध रखने से इनकार कर दिया है। तो बड़ी खबर आ रही है जहां पुलिस के रिमांड में कुख्यात गैंगस्टर अमन ने कई बड़े खुलासे किए हैं और उसने कहा है कि दो बीजेपी नेता के गैंग से संबंध रखता है, साथ ही साथ पैसे के निवेश को लेकर भी कई बड़े खुलासे किए हैं अमन ने। वहीं दूसरी तरफ भाजपा नेताओं ने गैंगस्टर से संबंध रखने से साफ इनकार कर दिया है। और सहयोगी आकाश हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। आकाश, गैंगस्टर अमन ने कई बड़े खुलासे किए हैं, क्या कुछ है पूरी जानकारी? देखिए रीतिका, अमन जो है अभी पुलिस रिमांड पर है, पुलिस रिमांड में पुलिस लगातार उनसे पूछताछ कर रही है और जो खबरें हमारे पास सामने आई कि अमन ने पूछताछ में ये कहा है कि उनके भाजपा नेताओं से संपर्क है, उन्होंने दो नेताओं का नाम लिया है जिनसे उनके संपर्क है, लेकिन बात करें नेताओं का तो उन्होंने साफ साफ इनकार किया है कि किसी भी तरह का अमन जो गैंगस्टर ग्रुप है उनसे उनका संबंध रहा है। लेकिन ये जांच वाली बात है कि आगे जांच होगी तो इनके और खुलासे होंगे, लेकिन फिलहाल भाजपा नेताओं ने इस पर इनकार किया है कि किसी तरह का अमन गैंग से उनका कोई संबंध या संपर्क रहा है। बिल्कुल आकाश, पैसे के निवेश को लेकर भी कुछ खुलासे किए हैं अमन ने। देखिए फिलहाल जो अमन जो पैसे को लेकर खुलासे किए उन पर साफ जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन हम तक जो जानकारी पहुंची है उसके अनुसार उन्होंने कई जो प्रॉपर्टी है उन पर खरीदने के लिए पैसे का इस्तेमाल किया है, कई होटलों में उन्होंने पैसे लगाए हैं। ये सारी बातें पुलिस के सामने छनकर आई है और ये पूछताछ फिलहाल अभी जारी है, आगे और भी कई खुलासे होंगे और जैसे जैसे खुलासे होंगे हो सकता है कि कई और लोग जो अमन गैंग था उनसे संपर्क था उनके संपर्क पता चल पाएगा और कई लोग के सफेदपोश है उनके चेहरे सामने आए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश तमाम जानकारी के लिए। तो कुख्यात गैंगस्टर अमन फिलहाल पुलिस के रिमांड में है और इस दौरान कई बड़े खुलासे किए अमन ने। इस दौरान दो बीजेपी नेता का नाम भी उसने लिया है। हालांकि भाजपा के नेताओं ने इस संबंध से कोई भी बयान जारी नहीं किया है और उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया है।